चलिए आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया है और प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। जनरल रावत के निधन पर प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। मुख्यमंत्री ने रावत के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और कहा कि उत्तराखंड को अपने सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। शोक संवेदना में धामी ने जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और कई लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने और इस शक्ति को देने की प्रार्थना की है। तो सीएम धामी ने विपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा उत्तराखंड में कर दी गई है। आपको बता दें कि कल ये दुर्घटना तमिलनाडु के कन्नूर में हुई और देश नम आंखों से उन्हें नमन कर रहा है, साथ ही साथ उनके शौर्य की जो गाथा है उसका बखान भी पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में एनएचएम कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ना तय है। डॉक्टर उपेंद्र रावत ने कहा है कि हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं, उचित वेतनमान और स्थायी नौकरी। इसके लिए हमने पहले से राज्य सरकार को सूचना दे दी थी और प्रदेश संगठन के आह्वान पर गदरपुर में भी हड़ताल की गई। हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम 9 दिन की इस तरह की हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। डॉक्टर रेखा ने कहा कि 2 जायज मांगे हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक ही कार्य के लिए 2 तरह के डॉक्टर रखे गए हैं और वेतनमान भी अलग अलग है और जिन कारण हम लोगों में रोष है और प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज हड़ताल की घोषणा हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर होगा उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। देखिए, हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर हम लोग अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसमें समस्त प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी अधिकारीगण और आउटसोर्स के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं हम लोगों के साथ में हैं और हम लोगों का ये कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम आज दिनांक 7 तारीख से लेकर दिनांक 9 तारीख तक इसी तरीके से चलता रहेगा। तत्पश्चात अगर मांगें हमारी पूर्ण नहीं होती हैं तो इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं। स्ट्राइक की थी, कार्य बहिष्कार किया था, उसमें भी हमने सरकार से यही कुछ मांगे मांगी थी कि हमारी वेतन विसंगति को दूर किया जाए और हम लोग क्योंकि बहुत सालों से एनएचएम में कार्य कर रहे हैं और हम में से काफ़ी लोगों की जो है एज भी ऐसी हो चुकी है कि हम और किसी जॉब के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं कि हम अब ये इंतज़ार करें कि हाँ अब कोई परमानेंट वैकेंसी आएगी फिर हम उस, ऐसा भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी इतनी जो इतने सालों से हमारा जो ये यहाँ पर काम है और हम सब कुछ कर रहे हैं उसको देखते हुए ही सरकार हमारे लिए कोई अच्छे फैसले, हमारी वेतन विसंगति को दूर करे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी काजल राय मेरे साथ जुड़ गए हैं। काजल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? आखिर क्यों लगातार अपनी मांगों को लेकर एनएच कर्मी जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं? काजल, मैं बताना चाहूंगा कि गदरपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में कई सारे जो है संविदा कर्मियों के जो चिकित्सक है वो लगे हैं और काफी दिनों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकार उनकी बातें सुनने रही है। कई बार उन्होंने देहरादून में भी धरना प्रदर्शन किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो जिसके कारण जो है 20 दिन का अल्टीमेटम देकर कल से जो है धरना प्रदर्शन वो लोग बैठे हुए हैं। जी काजल, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के कई जिलों में एनएचएम कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।